स्टडी आईएएस के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो इस लेसन में, जहां हम बात करने वाले हैं अबाउट स्वदेश दर्शन स्कीम। तो दोस्तों, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर जनरल स्टडीज पेपर 2 अंडर द सबसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रिलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के क्या फीचर्स हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्किट्स और ज्योग्राफिकल लोकेशंस इन्वॉल्व्ड हैं और उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो अभी रिसेंटली दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अंडर दिस स्कीम आइडेंटिफाई किया है तीर्थंकर सर्किट, जो कवर करता है उन सभी साइट्स को विच आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। इसी तरह काफ़ी सारे डिफरेंट थेमेटिक सर्किट्स ऑल अक्रॉस दी कंट्री डेवलप होंगे विच हैव बीन आइडेंटिफाइड, और ये क्या क्या है हम इसके बारे में इसी लेसन इसी वीडियो में आगे देखेंगे। बट पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्कीम है क्या, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसे कब और किसने लॉन्च किया और जो डिफरेंट सर्किट्स हैं उनके लोकेशंस और सिग्निफिकेंस के बारे में। तो दोस्तों, स्वदेश दर्शन स्कीम, इस स्कीम को लॉन्च किया है टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इन द ईयर 2014-2015, और जो मेन मकसद, जो मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, वो है डेवलप करना थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। और ये जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप होंगे, ये पूरी कंट्री में डेवलप होंगे और इनको डेवलप किया जाएगा कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को माइंड में रख करके, जो कि हैं हाई टूरिस्ट वैल्यू, कम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस स्कीम के कुछ बेसिक फीचर्स। ये जो स्कीम है, इट इज़ 100% सेंट्रली फंडेड, पर इसमें और भी ऑप्शंस है फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ CSR, और इंडिविजुअल्स भी इस प्रोजेक्ट में फंड कर सकते हैं। बट इसके रूल्स जो हैं वो स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं, जिसको कि फाइनलाइज करता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जो कि प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट PMC। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूट की जाती है एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जो कि इस पर्टिकुलर मिशन के ऑब्जेक्टिव्स और इसका जो मिशन एंड विजन है उसे अचीव करने के लिए डायरेक्टेड एफर्ट्स करता है। मिशन डायरेक्टरेट का भी फॉर्मेशन होना है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, जिससे कि डेवलप हो पाएगा नेशनल लेवल कंसल्टेंट विच इज़ प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट PMC। और ये जो मिशन डायरेक्टरेट है, ये काम करेगा सभी के साथ, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, दैट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट्स, द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, एनी PSU और एनी कॉरपोरेशंस, सो दैट इस स्कीम के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे मैक्सिमाइज किया जा सके। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डिफरेंट सर्किट्स के बारे में, उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड सिग्निफिकेंस के बारे में। बुद्धिस्ट सर्किट इन्वॉल्व करता है वो सभी प्लेसेस जो कि लॉर्ड बुद्धा के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। सिमिलरली, जो तीर्थंकर सर्किट है वो जैनिज्म के डिफरेंट साइट्स को इंक्लूड करता है, एंड सेम गोज़ विद रामायणा सर्किट, कृष्णा सर्किट। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया की कोस्ट लाइन, इट हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट 7517 किलोमीटर्स, और ये जो कोस्टल सर्किट है ये स्टेट्स में प्रेजेंट है लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अलॉन्ग विद अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। डेजर्ट सर्किट कंप्राइज करता है थार डेजर्ट को, एंड ऑल्सो द एरिड लैंड्स ऑफ कच्छ एंड द वैली ऑफ ड्राई एंड कोल्ड लद्दाख एंड हिमाचल। हेरिटेज सर्किट में इंक्लूडेड है ऑल द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और हिमालयन सर्किट इंक्लूड करता है स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट सर्किट इंक्लूड करता है दोस्तों स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। इंडिया में दोस्तों हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, ये सभी प्रोमिनेंट रिलीजन्स का उद्भव हुआ है, एंड दस इन सभी रिलीजन्स से एसोसिएटेड जो प्लेसेज हैं दे कम अंडर द स्पिरिचुअल सर्किट। जो सूफी सेक्ट होता है उसके भी कुछ प्रोमिनेंट सेंटर्स हैं इन महाराष्ट्र, बिहार एंड अदर लोकेशंस, और ये सभी इंक्लूडेड हैं इन द सूफी सर्किट। ट्राइबल सर्किट में दोस्तों कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं विच आर फ्रॉम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड अलॉन्ग विद सम एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली, जो सभी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं, वो सारे एरियाज इंक्लूडेड हैं इन द वाइल्ड लाइफ सर्किट। यहाँ पर इस इमेज में दोस्तों आप देख सकते हैं जो टोटल प्रोजेक्ट सैंक्शनड हैं उसका एक पाई चार्ट है, और जो टोटल अमाउंट सैंक्शन किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उसका एक डेटा है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया के पास एक रिच कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड नेचुरल हेरिटेज है, और ये एक ह्यूज पोटेंशियल देता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड जॉब क्रिएशन। इन्हीं रीजंस की वजह से टूरिज्म सेक्टर के डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो जाता है, जिससे सो दैट वी कैन अट्रैक्ट नॉट ओनली डोमेस्टिक टूरिस्ट्स बट ऑल्सो इंटरनेशनल टूरिस्ट्स। जो ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप हो रहे हैं, इनका डेवलपमेंट एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए दैट सपोर्ट्स द कम्युनिटीज़,
जिससे कि एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, एंड इट ऑल्सो इनक्रेजेस द सोशल इंटीग्रेशन। और ये सभी कुछ होना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल नीड्स एंड कंसर्न्स। और इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है स्वदेश दर्शन स्कीम, विच इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स इन द कंट्री इन द ईयर 2014-15। इसी के साथ दोस्तों, वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेसन। आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपके व्यूज रिगार्डिंग दिस मूव ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो यू हैव टू मैंशन कि आप CSR, दैट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हम आपके प्रिपरेशन में कोई बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं अपने सुझाव, सजेशंस एंड आंसर्स। इस वीडियो, इस लेसन, इस सीरीज़ और हमारे चैनल को शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक।